बड़ी खबर आ रही है, देखिए मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर बीजेपी ने निशाना साध दिया। अभी अभी आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और बीजेपी का आतिशी पर निशाना। आतिशी को रिमोट कंट्रोल सीएम बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिखाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया था, आतिशी को एक कठपुतली की तरह दिखाया गया था और उनकी तमाम डोरियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिखाई गई थी। और अब वही दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, देखिए एक्स पर, जिसमें रिमोट कंट्रोल सीएम आतिशी को कहा गया है और वो आतिशी को कंट्रोल करने वाला जो रिमोट है वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिखाया गया है। चलिए आरपी सिंह साहब का रुख करते हैं। तो ये इस तरीके की जो घेराबंदी है वो आतिशी की लगातार आम बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आरपी सिंह सर, लेकिन मैं आपसे जानना एक मिनट पहले मुझे सवाल पूछने दीजिए, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। आरपी सिंह जी, यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी को लेकर आप जितने सवाल उठा रहे थे सर, उसका जवाब अनमोल की तरफ से दिया गया। और आम आदमी पार्टी जो है, जब वो बिजली की बात आप लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि बराबर में नोएडा में देख लो क्या हाल है बिजली का, गुड़गांव में देख लो बिजली का क्या हाल है, कितना रेट है, कितने घंटे के कट लग रहे हैं, वो सीधे दो बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र कर देते हैं। लेकिन मुद्दा वहीं आ जाता है सर, ईमानदारी वर्सेस परेशान करने की राजनीति, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है। अब आपको ऐसा लगता है क्या कि यहां पर आतिशी जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में अब जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी, उन पर निशाना साधकर आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाया जा सकता है क्या? ये सीधे अटैक आतिशी पर, इसका मतलब क्या है? आरपी सिंह जी, देखिए जितना मर्जी कहें, जब दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल साहब जाएंगे उनको एक चीज दिखेगी, वह शराब की बोतल। जो मर्जी कहें, लोगों ने बहुत सहा है दिल्ली के अंदर, बहनों ने खूब सहा है दिल्ली के अंदर, लोगों ने यह सहा है कि किस प्रकार से उनके घर बर्बाद हुए, जो एक के साथ एक शराब बोतल देने की पॉलिसी चलाई थी, ये देखेगा दिल्ली की सड़कों पर जब भी केजरीवाल साहब जाएंगे, वो लोगों के घर बर्बाद हो गए। मतलब लोगों ने कहा था हमारे मोहल्ले में कैसे खोल दिया आपने शराब, मोहल्ला क्लिनिक की जगह मोहल्ले में शराब की ठेके खोल दिए और गुरुद्वारों मंदिरों के बाहर बुजुर्ग नहीं जा पा रहे। और ये सबके वीडियोस में आपको भेजूंगा, आपके चैनल में भी काफी कवर किया उस समय गए कि किस प्रकार से लोग तंग थे इस सारे शराब के धंधे के चलते हुए। तो लोग समझते हैं और ये जितना मर्जी कहें, अपने आप को जो मर्जी गाना गाएं। अभी बताया ना आपको हमारे पत्रकार मित्र साहब ने कि किस प्रकार से ये गए थे ये कहकर इलेक्शन लड़ने कि मुझे जेल से बाहर निकालो, अगर जेल से बाहर निकालना तो मेरे को वोट डालो। अरे जेल से बाहर तभी निकाला था कि अगर आप ईमानदार होते। लोगों ने कहा नहीं भैया, हम आपको जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, इसके साथों के साथों सीटें दे दी। हाँ, ये पिछला गाना गाने काट की हांडी दो बार चढ़ गई, खिचड़ी पक गई अपनी पकने वाली खिचड़ी। अब लोग तंग हैं, लोग अक चुके हैं। हाँ, आपकी एक बात ठीक है कि चेहरा, पर चेहरा कैसा चेहरा? वो जो शराब के धंधे में लिप्त है, जिसके ऊपर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस बार के ऑर्डर के अंदर कि हाँ प्रथम दृष्टा ये है कि शराब में घोटाला हुआ, ये कोर्ट की टिप्पणी है पेज नंबर 13 में, कृपा करके चेक करा लीजिए टिप्पणी। तो दिक्कत ये कि लोग खूब समझदार हैं। नहीं सर, देखिए कोर्ट की टिप्पणियां क्या है, किस आधार पर जमानत मिली गई है, किस किस को कितनी फटकार लगाई है, सीबीआई को लेकर कैसे अदालत की तरफ से कहा गया है कि जो तोते वाली छवि है उससे बाहर निकलो। अब अगर सर उस बहस में जाएंगे ना तो बहस डीरेल हो जाएगी। मैंने आपसे सवाल आतिशी को लेकर पूछा था सर, मैंने आपसे ये पूछा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री और उस महिला मुख्यमंत्री को अगर बीजेपी टारगेट करेगी तो इससे क्या आप अपनी राजनीति चमका पाएंगे? आपने इसका जवाब नहीं दिया। आपने पूरी की बारी बात जो है दोबारा अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाला, शराब की बोतल दिखाना, इसी पर आपका फोकस रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, इंतजार कीजिए आप अपनी बारी पर। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि ईमानदार, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, इस पर जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब देता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब, मैं तो बार बार सवाल दोहरा रही हूँ। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपका सवाल है कि आतिशी को लेकर क्यों टारगेट किया जा रहा है? फैक्ट है कि सबको पता है कि ये 3 महीने की मुख्यमंत्री, 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं, रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री, सबको जानकारी है। ये ऐसा एक रिमोट कंट्रोल केजरीवाल साहब के हाथ में जिसके आधार पर सारी सरकार चलेगी, सारी पार्टी चलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि कोई फाइल देखेंगे तो दिन के लिए सीएम बनी थी, वो क्या रिमोट कंट्रोल सीएम थी? वो क्या कठपुतली सीएम थी? सुषमा स्वराज जी और आप आतिशी का तुलना नहीं कर सकते। सुषमा स्वराज जी अपने में कदावर नेता थी और वह किसी के हिसाब से नहीं चलने वाली नेता थी। ठीक है कि दिल्ली की जनता ने फैसला अपने ढंग से किया, परंतु सुषमा स्वराज जी और आतिशी का के दूर दूर तक मेल नहीं है। आपने ले लिया नाम, मैंने इसलिए कह दिया
और आतिशी तो सबको पता है ना कि अफसर ये तुलना आप ठीक है आप बीजेपी के नेता हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने नेता को लेकर ये कहेंगे, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के नेता के लिए आप इस तरीके की बात कहेंगे तो उनकी तरफ से तो पलट कर कहा जाएगा ना सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।